Hello, welcome to all of you here again on my channel Jankari. Today I'm going to discuss about very important concepts of modern office practices. The topic I'm going to discuss in today's videos are about concepts of office management, daftar parvandhan sambandhit important concepts ne jo assi ohna de bare gal karange. Under concepts of office management, we are going to discuss about what is office management, importance of office management, functions and scope of office management, and very important topic of office management regarding recent trends in office from management point of view. Let's move ahead with me to discuss these concepts in very simplest way. Yes students, modern office practices जो commerce ते vocational students ते लिए एक बड़ा scoring paper है उदे वीच एक बड़ा important topic आंदा है, that is concepts of office management जो दफ्तर दा प्रबंध है या दफ्तर दा प्रबंधन है उदे concepts ते regarding असी details गल करांगे. सब तो पहला एक गल साफ है, सानू सारा नू पता होना चाहिंदा है कि management is a universal process, विश्वव्यापी प्रोसेस है. दुनिया दे विच किते भी कोई ऑफिस कोई संस्था इहो जी नहीं. इवन व्यक्तिगत लाइफ दे विच भी असी महसूस करते हाँ कि मैनेजमेंट की जरूरत महसूस होंदी है. प्रबंध तो बिना असी ना ही जिथे ग्रुप ऑफ पीपल्स काम करते हैं मिलके उन्होंने ना तो कोआर्डीनेट कर सकते, ना ही उस संस्था या ग्रुप ऑफ पीपल अपने ऑब्जेक्टिव नूं प्राप्त कर सकते. हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद की होंदा है कि अपने जो निर्धारित उद्देश ने उन्हां नूं प्राप्त करना. सिमिलरली एक ऑफिस दे विच भी जो किसी इंस्टीट्यूट या व्यापार नाल संबंधित है, किसी मल्टीनेशनल कंपनीज या गवर्नमेंट नाल संबंधित है, उसके भी अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स ने उन्हां एम्स नूं प्राप्त करना है. उन्हां एम्स नूं प्राप्त करन दे लई जरूरी है कि उस ऑफिस दे विच उस संस्था दे विच काम करन वाले लोकां दे विच आपसी तालमेल होवे. उस कोआर्डीनेशन नूं एस्टैबलिश करन दे विच जो मैनेजमेंट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट. प्रबंध सब तो महत्वपूर्ण है. जेकर प्रबंध प्रॉपर नहीं है तां कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑफिस जेकर असीं कहीए अपने उद्देशां दी प्राप्ति नहीं कर सकता. एक चीज़ सोचो, जेकर किसी संस्था दे विच या किसी दफ्तर दे विच मैनेजमेंट नहीं है, दैन देर इज टोटल कन्फ्यूजन. वैन देर इज कन्फ्यूजन वी कॉन्ट गैट सक्सैस. वैन देर इज नो सक्सैस दैन हाउ कैन दैट इंस्टीट्यूट कैन अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट जो है एक इंटैग्रल पार्ट है किसी भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दे विच जिथे कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं. जो ऑफिस मैनेजमेंट है, जेकर असीं इस नूं देखिए, एक अजिहा काम है जिस दे अंडर असीं प्लैन करते हैं, कोआर्डीनेट तालमेल एस्टैबलिश किया जाता है. मोटीवेट मीनस उन्हां नूं उत्साहित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, ता कि वह ग्रुप ऑफ पीपल एक स्पैसीफिक जो उन्हां दा गोल है उस दे लई मिल के काम कर सकन, ता कि उन्हां दे जिहड़े ऑब्जेक्टिवस ने उस ऑफिस दे जां संस्था दे उह प्राप्त हो सकन. फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है, बिजनेस दे नाल उहदा ऑफिस है, ता ही बिजनेस चलेगा. तो ऑफिस के विच उस बिजनेस या ऑफिस नाल रिलेटड कुछ गोल्स ने, एम्स ने, जिन्हां नूं प्राप्त करना है. तो एम्स प्राप्त ता ही होणगे, वो गोल ता ही प्राप्त होणगे जेकर सारे मिलकर कोआर्डीनेशन वेच प्लैंड वेच काम करनगे. फॉर दैट ऑल परपजेज वी नीड मैनेजमेंट. सानू प्रबंध की जरूरत है. प्रबंध तो बिना कोई भी ऑफिस कोई भी संस्था अपने ऑब्जेक्टिव नूं प्राप्त नहीं कर सकती. स्टूडेंट्स, जेकर असी ऑफिस मैनेजमेंट के कॉन्सैप्ट होर समझना है, असी दोनों अलग करके भी देख सकते हैं भी ऑफिस की चीज़ है, मैनेजमेंट की है. ये सानू पता है. ऑफिस नाल रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारिया वीडियोस डिफरेंट चैप्टर दियां मैं पा चुके, तुसी उन्हां नू डिटेल देख सकते हो. फिर भी एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन के रूप में मैं तुहानू दसना चाहुंदा है ऑफिस की है. यस स्टूडेंट, जिथे तक ऑफिस या दफ्तर के मीनिंग की गल करते हैं, ऑफिस इज सच अ प्लेस वेयर कलैक्टिंग, प्रोसैसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस रिगार्डिंग एनी इंस्टीट्यूशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसी तरह जेकर ऑफिस नूं होर डिफाइन करन दी कोशिश करिए, डिफरेंट राइटर्स ने, डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने व्यूज दिते ने. ऑफिस इज ए प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड और डिफरेंट सर्विसेज आर अवेलेबल ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन और बिजनेस. उस स्थान ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन नाल रिलेटेड ने, जिथे वो प्रोवाइड कीतियां जांदियां ने, जां उन्हां सर्विसेज दा कंबाइंड रूप नूं ही असी ऑफिस कहिंदे हां.
ऑफिस कोई प्लेस होवे कोई जरूरी नहीं, इट्स ग्रुप ऑफ सर्टन एक्टिविटीज आल्सो। दूसरे पास असी मैनेजमेंट की गल करते हैं, स्कॉलर होए ने जॉर्ज आर टेरी, उन्होंने मैनेजमेंट के कॉन्सैप्ट अपने वर्ड्स के जिम्मे दसिया, मैं उस तरह थोड़े शेयर कर रहा टू मेक इट ईजी। मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसैस, ध्यान देखो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसैस कंसिस्टिंग ऑफ प्लैनिंग ऑर्गेनाइजिंग एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग फॉलो टू अकॉम्पलिश प्री डिटरमिंड ऑब्जेक्टिव्स। एक एक शब्द अपने आप मैनेजमेंट के कॉन्सैप्ट क्लीयर कर रहा है जो टेरी ने वर्ड दिए उन्होंने देखते हुए। ध्यान देखो मैनेजमेंट की है एक डिस्टिंक्ट अपने आप के एक विलक्षण एक अलग प्रोसैस है प्रक्रिया है जिस दे विच प्लैनिंग भी आती है, योजनाबंदी आती है, ऑर्गेनाइजिंग संगठित करना आता है किसी, एक्टिवेटिंग उन्हों एक्शन दे विच लेके आना, कंट्रोल करना ताकि बिजनेस के जो प्री डिटरमिंड ऑब्जेक्टिव्स ने उन्होंने प्राप्त किया जा सके, उन्होंने अटेन किया जा सके। स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के कॉन्सैप्ट असं इस तरह भी समझ सकते हैं, मैनेजमेंट इज अ प्रोसैस बाय विच ए कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शन टूवर्ड्स अ कॉमन गोल। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कॉमन गोल्स ने, उन्होंने कॉमन गोल्स नू प्राप्त करने के लिए जो एक प्रोसैस है प्रक्रिया है उन्होंने कॉमन गोल्स नू प्राप्त करने की, उसनू ही मैनेजमेंट या प्रबंध कहने असी, प्रबंध या प्रबंधन कह सकते हो तुसी। सो स्टूडेंट्स ऑफिस ते मैनेजमेंट दे कॉन्सेप्ट नू अलग अलग समझ के फाइनली कंक्लूसिव रूप दे विच असी ऑफिस मैनेजमेंट नू होर क्लीयरली समझ सकते हैं। जॉर्ज आर टेरी ने जिथे मैनेजमेंट नू डिफाइन किया है उथे ऑफिस मैनेजमेंट दे रिगार्डिंग उसके शब्दों नू ध्यान नाल देखो की है। एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ टास्क ऑफ प्लैनिंग कोआर्डिनेटिंग motivating the efforts of others towards the specific objectives of an office. एक office दे जो certain objectives ने predetermined उद्देश ने उन्हें प्राप्त करने के लिए एक अजिहा काम है office management जो planning coordinate motivate करता है सारिया efforts नू, उसनू ही असी office management या दफ्तर प्रबंध कहने। दफ्तर प्रबंध दफ्तर के लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है, जिवें मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया विदाउट मैनेजमेंट वी कांट अटेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और वी कैन से ईवन फॉर ऑफिस। सो इसी ऑफिस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आज की वीडियो के जो नैक्सट टॉपिक असं डिस्कस कर जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की गल करा अज की वीडियो के एक गल ध्यान रखो, साडा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू है टॉपिक। दफ्तर के पक्ष तो ऑफिस का प्रबंध के विच किहड़े किहड़े काम किए जाते हैं, ऑफिस के प्रबंध के काम किहड़े किहड़े ने, उहदे विच जेकर असी डिफरेंट बुक्स नू कंसीडर करदे हां एक दो फंक्शन दे उत्ते तुसी डिफर महसूस करोगे, बट मेनली टॉपिक इको ही है। किते ना किते जिहड़े एक दो पॉइंट ने फंक्शन दे आपस दे विच ओवरलैप्ड होए हुए हुंदे ने, क्योंकि कुछ बुक्स दे विच जेकर तुसी देखदे हो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिते हुए होणगे प्लैनिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कुछ के विच एक फंक्शन दिता हुआ है फोरकास्टिंग। आलमोस्ट सारे कॉन्सैप्ट सेम ही ने। आओ आपां जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ने उन्हां दे बारे हुण एक एक दे बारे गल करदे हैं। सब तो पहला जो फंक्शन है दैट इज़ प्लैनिंग योजनाबंदी। जिहड़ा प्लैनिंग की गल है इहदा मतलब हुंदा है फ्यूचर दे रिगार्डिंग प्रेजेंट दे विच कोई पॉलिसी तैयार करना सो दैट द सर्टन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट बिजनेस और ऑफिस कैन बी अटेंड। उस दफ्तर के भविख के विच जो ऑब्जेक्टिव्स ने उन्होंने प्राप्त करने के लिए प्रेजेंट के विच कोई प्लैन आउट तैयार करना उसनों ही असी योजनाबंदी या प्लैन कहने हैं। जो प्लैनिंग है इट्स अ मेंटल एक्टिविटी, एक दिमागी काम है भी। अंडर प्लैनिंग इट इज डिसाइडेड इन एडवांस रिगार्डिंग फ्यूचर what to do, where to do, when to do, how to do and who is going to do. Planning दे विच इसे चीज़ की योजना होती है, क्योंकि दफ्तर का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल ने, बहुत सारे लोग काम कर रहे ने, किहड़ा काम दफ्तर दे विच किता जाना है what to do, इस तो इलावा किहड़े किहड़े काम नू किथे किथे किता जाना है, ऑफिस दे किस पार्ट दे विच किता जाना है, इस तो इलावा वेन टू डू कदों किया जाना है, हु इज गोइंग टू डू कौन वो काम करने वाला है, किड़ा इंप्लाइज किस काम के इनवॉल्व रहने वाला है ऑफिस के विच
एंड हाउ इज टू डू ते किस तरह काम करना है ये बारे पहला ही भविख के रिगार्डिंग प्रेजेंट के एक योजना बना ली जाती है। जो प्लैनिंग तैयार की जाती है उत्थे एक मेजर कॉन्सैप्ट है जिस दे बारे मैं चर्चा करनी जरूर चाहूँगा क्योंकि जो प्लैनिंग है एक बुद्धिमता का काम है मैंटल वर्क है एक फिजिकल वर्क नालों ज़्यादा मैंटल वर्क है तो उत्थे चार कॉन्सैप्ट ध्यान दे विच रख के प्लैन तैयार की जाती है। वो चार की कॉन्सैप्ट ने उन्होंने मैं स्वॉट के नाम नाल इत्थे दिखाया SWOT स्वॉट स्वॉट का मतलब दे विचों पहला जिक्र लैटर लईए वह है एस स्ट्रेंथ ताकत की ने किसी इंस्टीट्यूट दिया उदे विच केड़ी ताकत है शक्ति की है अपने कामां नू अपने ऑब्जेक्टिव्स नू पूरा करन दी। उस तो इलावा वीकनेसिस कमजोरियां की ने डबल्यू का मतलब डबल्यू तो है वीकनेसिस कमियां की ने कमजोरियां की ने जिन्हां नू असीं उनताइयां कह सकते हैं वह केड़ियां ने उन्हां नू पहलां ही आइडेंटिफाई करना। इस तो इलावा ओ दा मतलब है अपॉर्चुनिटीज मौके केड़े ने अवसर केड़े ने उन्हां नू भी पहलां तो ही लोकेट करके रखना। नेक्स्ट है थ्रेट्स खतरे केड़े केड़े ने किसी भी ऑब्जेक्टिव्स नू पूरा करने के लिए स्वॉट के कंसैप्ट के अंडर सारा कुछ डिस्कस करके प्लान तैयार किया जाता है। दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड वन इज फोरकास्टिंग और वी कैन से पूर्व अनुमान भविख के रिगार्डिंग पहला ही फोरकास्ट करना कि आने वाले समय के विच केड़ियां मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा किस तरह के चैलेंजेस होंगे उस चीज़ को पहला ही फोरकास्ट करना ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का फ्रॉम ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि बिजनेस के विच अनसर्टनिटी हमेशा बनी रहती है। उन्हें चैलेंजेस को पहला ही समझते हुए फोरकास्ट करना केड़ी केड़ी चीज़ की जानी है कारण की है जो मैनेजमेंट है प्रबंध करना है असी फ्यूचर के रिगार्डिंग करना है प्रेजेंट फ्यूचर अनसर्टन होंगे उस अनसर्टनिटी नूं पहला ही एक उहदा पूर्व अनुमान लगा के सारे फंक्शन नूं कीता जांदा है। दैट इज आलसो द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू फोरकास्टिंग मतलब पूर्व अनुमान लगाना। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग जदों भी असीं ऑर्गेनाइज की गल करते हैं क्योंकि किसी भी बिजनेस की जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होंदा है वह बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होंदा है। किसी ऑफिस दे विच भी इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशनल संगठन है उस दे विच काम दी डिवीजन करनी किस काम नू कौन करन वाला है उस सारे काम दी एक प्लान आउट तैयार करके अलग अलग लोगों नू देनी ते उन्हें एक संगठन दे रूप दे विच कंबाइंड रूप दे विच एक यूनिट दे रूप दे विच चलाना भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दे विच एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सो इट्स आलसो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग दैट इज संगठन क्योंकि जेकर यूनिटी नहीं है संगठन नहीं है दिस मीनस कोआर्डीनेशन नहीं है जो कोआर्डीनेशन नहीं है तो ऑफिस मैनेजमेंट के जो बाकी काम ने वो भी सारे फेलियर होंगे। तुसी प्लैन आउट जिन्ना मर्जी कर लो जब तक संगठित रूप के सारे इंप्लाइज सारी एक्टिविटीज़ नहीं चलदियाँ उस समय तक किसी भी ऑफिस के बाकी काम प्रॉपरली नहीं चल सकते। इस तों इलावा नैक्सट है स्टाफिंग स्टाफिंग का मतलब की है उत्थे काम करने वाले इंप्लाइज किसी भी ऑफिस का बहुमुला धन होंगे उत्थे काम करने वाले ह्यूमन रिसोर्सिज ऑफिस दे विच अजिहे इंप्लाइज नू इंप्लायमेंट दे उत्ते लगाना जो उन्हां कम्मां दे योग ने उन्हां कम्मां दा उन्हां च स्किल है वैल क्वालिफाइड ने जो व्यक्ति जिन्ना मर्जी पढ़िया होवे जेकर उस काम दे योग नहीं है उत्थे फेलियर हो सकता है। एक PhD होल्डर एक सुपरवाइजर की भूमिका निभावे कोई जरूरी नहीं है पॉसिबिलिटी नहीं बनती एक नॉर्मल वर्कर उहदे नालों बैटर भूमिका निभा सकता है जेकर मशीन ते निभा रहा है तो स्टाफ की सही सिलैक्शन करनी स्टाफ की सिलैक्शन तो बाद उन्होंने उहदे अकॉर्डिंगली स्टाफ की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने स्किल के अकॉर्डिंगली कम देना इस स्टाफिंग दे अंडर आंदा है। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट डायरेक्टिंग निर्देशन विदाउट डायरेक्शन नथिंग इज पॉसिबल तुसी प्लान तैयार कर लो तुहाडा संगठन बड़ा मजबूत है तुहाडे कोल स्टाफ बड़ा वैल क्वालिफाइड है बट प्रोपर डायरेक्शन नहीं है जेकर डायरेक्शन नहीं है सही ढंग नाल निर्देशन नहीं दिता जांदा उत्थे काम करन वाले इंप्लाइज नूं मोटिवेशन दे कॉन्सैप्ट्स नाल प्रेरित नहीं किया जाता उन्होंने काम के प्रति प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दसियां जांदियां तां सारे दे सारे फंक्शंस फेलियर हो सकते हैं। सो डायरेक्टिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट
concept from behavior point of view for any staff who is going to be work in future for the objectives of any business. So directing is another important function of management from office point of view. Last one is controlling. Direction is there, but proper supervision is not there. Proper control is not there. ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬੇਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵੀ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰੋਮ ਆਫਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਮੀਨਸ ਟੂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੋਰ ਟਾਈਮ, ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵਰਕ। ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਆਫਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟੂਡੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਕੋਪ ਆਫ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੋਪਿਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫਿਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਫਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਕੋਪ ਆਫ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਊਚਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜੋ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਫਿਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਓਰਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਮੂਜਵਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰੀਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਫਿਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਕੋਪ ਆਫ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫਰਨੀਚਰ ਐਂਡ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ,
किस टाइप के टेक्निकल डिवाइसिस चाहिए ने, कि पीसी चाहिए, कि लैपटॉप चाहिए, कि कैलकुलेटर चाहिए, कि एसी चाहिए, किस टाइप की उत्थे वेंटिलेशन की फैसिलिटीज ने, किस ढंग के जो उत्थे आने वाले कस्टमर उन्होंने डील करने के लिए किहो जिहा फर्नीचर चाहिए, मिनिमम कोस्ट से होवे, क्वालिटी का होवे, स्टैंडर्ड का होवे, फर्नीचर ते इक्विपमेंट नू मैनेज करना भी ऑफिस मैनेजमेंट दे कार्ज खेतर दा ही हिस्सा है। नेक्स्ट है ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर। एक दफ्तर या कोई भी संस्था बिना प्रॉपर सिस्टम तो या प्रोसीजर तो नहीं चल सकती। हरेक दफ्तर का अपना एक प्रोसीजर है, हरेक दफ्तर का अपना एक सिस्टम है। तुसी मल्टीनेशनल कंपनीज दे दफ्तर दे भी जाके देखो, एनी की दरवाजा खुल गया तुसी अंदर जाओगे तुहाडे कोल कार्ड है अपना, ऑलरेडी पहला प्रायर अपॉइंटमेंट्स होंदियां ने तां ही तुहाडी एंट्री हो सकती है, कार्ड है तां उत्थे उस कार्ड नूं पंच करो तां तुहाडी एंट्री हो सकती है, अदरवाइज दरवाजे बंद। जेकर सारे सिस्टम नूं सही चलाना है, फुल प्रूफ करके चलाना है, तां जरूरी है प्रोपर प्रोसीजर होवे। किसे दफ्तर दे विच काम दा किस ढंग दे नाल प्रोसीजर है, किहड़ा सिस्टम अडोप्ट किया जा रहा है, काम है आर्डर विभाग के कर्मचारियों का एक दफ्तर तो दूसरे दफ्तर के भी जाना, एक डिपार्टमेंट तो दूसरे डिपार्टमेंट के विच जाने के लिए की ढंग अपनाया जाता है, ये भी ऑफिस मैनेजमेंट के कार्ज खेत्र का हिस्सा है। स्टूडेंट्स नैक्सट इज ऑफिस अकोमोडेशन। दफ्तर के जिहड़ी कार्ज कुशलता है, जो काम का फ्लो है दफ्तर के इंप्लाइज की, जो एफिशेंसी है काम की, जो उन्हों का फ्लो है, वह दफ्तर के ऑब्जेक्टिवज़ को प्राप्त करने बड़ा महत्वपूर्ण होंगे, भी ध्यान रखियो। तो ऑफिस का जो स्थान है वह किहो जिहा होवे, ऑफिस का मेन काम यह भी होंगे कि खर्चे घटाओ, पर यह ना हो ऑर्गेनाइजेशन की जी गुडविल है वो इन्नी डाउन चली जाए कि जेकर दफ्तर बहुत इनफीरियर क्वालिटी का होया, एक स्टैंडर्ड मेनटेन करना भी जरूरी है। ये दोनों चीज़ों के लागत ते गुडविल तालमेल इस्टैबलिश करने के लिए ऑफिस की जो अकोमोडेशन है, ऑफिस का स्थान है, एक वधिया रूप देना, वधिया जगह दे, वधिया लोकेशन दे उत्ते उन्हें इस्टैबलिश करवाना, ये भी स्कोप ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट कम्स अंडर स्कोप ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट इज द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसी भी ऑफिस का सब तो इंपॉर्टेंट हिस्सा होंगे ने उत्थे काम करने वाले मनुख, इंप्लाइज। इंप्लाइज की सिलेक्शन किमें करनी है, उसकी प्रक्रिया की है, उसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए है, उस ऑफिस नूं किहो जिहे इंप्लाइज की जरूरत है, इंप्लाइज की प्रमोशन किमें होनी है, रिटायरमेंट किमें होनी है, उन्होंने किहड़े बेनीफिट्स दिते जाने ने, उन्हां दीआं सैलरीज किन्नियां फिक्स होनियां ने, उन्होंने किहड़ी किहड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड कीतियां जाणियां ने फ्यूचर दे विच वी, जो उत्थे काम करन वाली यूनियनज़ ने उन्हां नाल तालमेल इस्टैबलिश करना, इसनों ही असी परसोनल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा मानते हैं, कर्मचारियों का प्रबंध तैयार करना, ये स्कोप ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ए इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। मेरे ख्याल स्कोप ते फंक्शन तो तुम्हें पता लग गया होगा कि ऑफिस का जो प्रबंध है वो महत्ता की है, फिर भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने जिन्हों के बारे में थोड़े डिस्कस करना चाहते हैं। ब्रीफ के असं जावे टू प्रोवाइड लीडरशिप, किसी भी दफ्तर के कामों सही ढंग चलाने के लिए जरूरी है, एक किसी भी काम नूं चलाने लिए जेकर कहिए प्रॉपर लीडरशिप होवे, ते लीडरशिप कौन प्रोवाइड करता है, प्रबंधन मैनेजमेंट, जो प्रबंध है ना उत्थे दा वो सही लीडरशिप प्रोवाइड करता है। सो ऑफिस मैनेजमेंट दा एक इंपॉर्टेंस यह है कि इट प्रोवाइड्स प्रॉपर लीडरशिप फॉर द फंक्शंस ऑफ एनी ऑफिस। नैक्सट है मिनिमाइजेशन ऑफ कोस्ट। हर बिजनेस दे विच, हर ऑफिस दे विच डिफरेंट टाइप दी एक्टिविटीज़ करते हुए बहुत सारा पैसा खर्च होता है। जेकर बिजनेस दे कोस्ट बहुत ज़्यादा वध जाएगी, बहुत सारे खर्चे वध जाएंगे तो प्रॉफिट घट जाएगा। बिजनेस का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सीमाइज द प्रॉफिट, टू अर्न द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ता ही अर्न किया जा सकता है जेकर कोस्टा घटाया जाए। मिनीमाइज द कोस्ट दैट इज आलसो द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट फ्रॉम द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफिस मैनेजमेंट का काम यह ही होंदा है कि दफ्तर के किसी तरह का कोई फालतू खर्चा ना हो, उत्थे दी कोस्ट नूं घट तो घट किया जाए। नैक्सट है एफिशेंसी, कार्ज कुशलता। दफ्तर के जिथे कोस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है, उत्थे कार्ज कुशलता का जिहड़ा पैमाना है यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। दफ्तर के जिन्हें भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, मशीन काम कर रही हैं, एफिशेंटली काम कर रही हैं या नहीं,
सही व्यक्ति सही जगह के उत्ते अपॉइंट किया जाए ताकि सुचजे तरीके दे नाल काम हो सके, ता ही प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ता ही जो कोस्ट है उन्हों घटाया जा सकता है। उन्हों एफिशिएंटली मैनेज करना भी ऑफिस मैनेजमेंट के लिए बड़ा जरूरी होंदा है, ते यह काम ऑफिस मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। सो ऑफिस मैनेजमेंट की इस पहलू तो भी बड़ी महत्ता है। नैक्सट है समूथ फ्लो ऑफ वर्क, काम के फ्लो नूं चलते रखना, किसी तरह की रोक टोक ना होवे, काम चलता रहे, जो कोई काम चल रहा है तो विघन ना पवे उस काम नूं, जेकर उहदे विच कोई रुकावट आ रही है तुरंत ठीक कर लिया जाए, उहदे लई प्रॉपर प्लैनिंग ते कंट्रोलिंग बड़ा जरूरी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू तो भी ऑफिस मैनेजमेंट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होंदा है स्टूडेंट्स। नैक्सट है फैसिलिटेट कोआर्डीनेशन एंड कंट्रोल वेरियस ऑफिस फंक्शंस, ये अलग अलग व्यक्तियों के विच तालमेल एस्टैबलिश करना, कोआर्डीनेशन प्रोवाइड करवाना, उन्होंने कामों के उत्ते अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कामों के उत्ते कंट्रोल एस्टैबलिश करना, इस पॉइंट ऑफ व्यू तो भी दफ्तर का जो प्रबंध है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये सारे चीज़ों दफ्तर का प्रबंध जो ऑफिस मैनेजमेंट है वो सही ढंग के नाल कोआर्डीनेट कर सकती है, तो कंट्रोल एस्टैबलिश किया जा सकता है दफ्तर के अलग अलग एक्टिविटीज़ के उत्ते। इस अलावा स्टूडेंट्स है हेल्प्स इनोवेशन, जो दफ्तर का प्रबंध है जेकर वो मॉडर्न सोचता है उसनों पता है कि कंपीटिशन का जमाना है, जेकर असी इनोवेटिव ना होए, नवी सोच दे नाल नवीं टैक्निक्स अडॉप्ट ना कीतियां तो कंपीटिशन के इस जमाने साडा बिजनेस जां ऑफिस पिछे रह जाएगा। जिन्हिया भी इनोवेशन होंदिया ने नवीनता लियाने लिए उपराले होंगे ने उस दे विच भी ऑफिस मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होंगी। नैक्सट है मैनेजिंग चेंजिज, चेंज इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिमिलरली चेंज इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस और ऑफिस, लगातार बदलाव जरूरी है, समय के नाल जरूरत के अनुसार इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली चेंज इज मस्ट। होने वाले चेंजिज़ नूं मैनेज करन दे विच भी महत्वपूर्ण भूमिका होंदी है ऑफिस मैनेजमेंट की। इंप्लाइज चेंज होंदे रहिंदे ने, टैक्नोलॉजी चेंज होंदी रहिंदी है, इस तों इलावा जो कस्टमर्स ने वह चेंज होंदे रहिंदे ने, नवीं पार्टीज़ नाल एस्टैबलिश होंदी है, बिजनेस के कॉन्सैप्ट चेंज हो सकते हैं, बेसिक जो चीज़ां तैयार कीतियां जा रही ने उस टैक्नीक दे भी चेंज किया जा सकता है। इन्हां चेंजिज़ नूं सही ढंग दे नाल मैनेज करन दे विच भी सब तो इंपॉर्टेंट भूमिका कीदी होंदी है ऑफिस मैनेजमेंट की। नैक्सट पॉइंट इज फ्रॉम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिज। हरेक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे विच पांच कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट होंदे ने, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की गल करदे आ चार ने, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जमीन मजदूर पूंजी ते उद्यमी। इह चारों दे चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेकार ने इफ मैनेजमेंट इज नॉट देयर। उह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने चार दे चार, उन्हां दा सही वरतों करना ऑफिस मैनेजमेंट दे द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, जो जिन्हें भी रिसोर्सिज ने साधन ने उन्होंने सही वरतों करना, इस दे विच ऑफिस मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होंदी है। नैक्सट पॉइंट इज रिटेनिंग टैलेंट, बिजनेस दे विच बहुत इंप्लाई बड़े एक्सपर्ट होंदे ने, स्किलफुल होंदे ने, लंबे समय तो बिजनेस दे प्रति जां ऑफिस दे प्रति वफादार होंदे ने, उस टैलेंट नूं उस किसी भी ढंग के नाल एक्सपर्ट लोगों नूं बिजनेस दे विच जां ऑफिस दे विच लगातार मेनटेन रखा जा सके, उन्हां नूं संभालना बड़ा जरूरी होंदा है, क्योंकि वो बिजनेस दे लई जां ऑफिस दे लई बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उहदे ऑब्जेक्टिव्स ने उन्हूं प्राप्त करन दे विच। सो रिटेनिंग टैलेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट फ्रॉम ऑफिस मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इस करके इहो जे टैलेंट नूं रिटेन करके रखने दे विच ऑफिस प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होंदी है। स्टूडेंट्स लास्ट दे विच जल्दी जल्दी टाइम नूं मैनेज करते हुए, क्योंकि वीडियो का साइज लंबा होंदा जा रहा है, तुसी भी कॉन्सैप्ट नूं समझ चुके होगे, एक छोटा जिहा टॉपिक फिर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होंदा है, जनरल एग्जाम च आंदा, रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑफिस प्रैक्टिसिज फ्रॉम ऑफिस मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। दफ्तर के प्रबंध के पॉइंट ऑफ व्यू तो जो रीसेंट ट्रेंड्स ने वो किहड़े-किहड़े ने, दफ्तर का एक हिस्सा बन चुके ने, इमपार्शियल पार्ट बन चुके ने, उन्हें मैकनाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन, आज जो मॉडर्न ऑफिस ने वो पूरी तरह उन्हों का मशीनीकरण हो चुका है, कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, किहो जी मशीनां चाहिए ने, दोबारा जिहड़ा मैनुअल क्लैरिकल वर्क है वो नहीं रहा दफ्तर के विच, हुण दफ्तर के विच सारा कुछ कंप्यूटराइज है, किहो जे कंप्यूटर चाहिए ने, किहो जे लैपटॉप चाहिए ने, उन्हां पॉइंट ऑफ व्यू तो भी ऑफिस मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है, ताकि रीसेंट ट्रेंड्स जो इस टाइम बिजनेस के विच देखने मिल रहे हैं दफ्तर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट ने, उन्होंने मैनेज करना भी ऑफिस मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। इस तो इलावा इनक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, पुराने समय के जो छोटे छोटे बिजनेस ही मैनेजमेंट को इन्ना महत्वपूर्ण नहीं मनिया जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन आज कंपीटिशन का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, बिजनेस का साइज बढ़ रहा है,
उस हालत दे विच वर्किंग कंडीशंस सानू लगता कि फैसिलिटेट तो हो रही ने, सानू लगता कि वर्किंग कंडीशन आसान तो हो रही ने, बट कंपीटिशन होना मुश्किल हो रहा है। उस दे विच ऑफिस मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस करके जो ऑफिस मैनेजमेंट की भूमिका पहला दे नालों ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कंपीटिशन ज़्यादा बढ़ रहा है, पेपरलैस ऑफिस, अज ऑफिस कंप्यूटरीकरण हो चुका है, पेपरलैस ऑफिस किवें मैनेज करना है, उस दे विच भी ऑफिस मैनेजमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किहड़ियां फैक्स मशीन होनिया चाहीदियां ने ऑफिस दे विच, इस तों इलावा कंप्यूटर कहड़े यूज़ करने ने, लैपटॉप किहो जिहे होने चाहीदे ने, इस तों इलावा सिस्टम दे विच किस टाइप दे काम कीते जाण तां कि पेपरलैस काम हो सके, इस दे विच भी रीसेंट ट्रेंड्स दे विच असीं शामिल कर सकते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट इस दे विच भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट इज मोबाइल ऑफिस। स्टूडेंट्स मैं पहला भी तुहानूं दस चुका, ऑफिस इज नॉट जस्ट अ प्लेस, अज दे समय विच रादर ऑफिस इज अ ग्रुप ऑफ सम एक्शंस। ओ एक्शंस या एक्टिविटीज एक स्थान पर होने जरूरी नहीं, वो कार्स भी हो सकते हैं, घर बैठ के भी हो सकते हैं। कोविड के दौरान तुम देख रहे हो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सैप्ट है, तुम जंगल च बैठे हो, तुम किसी सड़क पर हो, एयरपोर्ट पर हो, तुम जिथे भी हो उत्थे भी काम चलते हैं। सो मोबिलिटी इज देयर, जो ऑफिस का वर्क है मोबिलाइज हो चुके हैं, एक जगह तो दूसरी जगह पर जाते हुए ऑफिस का काम चलता रहता है, तो मोबाइल ऑफिस किवें मैनेज करना, इस दे विच भी ऑफिस मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका। नैक्सट है इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी। आई टी का जमाना है जी अच, इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी सूचना तकनीक, जो भी इनफॉर्मेशन दफ्तर के संभालनी है, प्राप्त करनी है, प्रोसैस करनी है या किसी को भेजनी है, वह सारा कुछ टैक्नोलॉजी के नाल हुंदा है। आई टी के इस जमाने के ऑफिस मैनेजमेंट की भूमिका होर वध गई कि किस तरह डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी ऑफिस के अडॉप्ट किए जा सकते हैं। ये सी रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑफिस प्रैक्टिसेस फ्रॉम ऑफिस मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टूडेंट्स आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लीयर। मैं हर कॉन्सेप्ट बड़े आराम नाल बड़ी डिटेल दे विच तुहाडे नाल शेयर किया, फिर भी जेकर किसी स्टूडेंट का कोई कंसर्न है तुसीं नीचे कमेंट बॉक्स जाके कमेंट दो, आई विल ट्राई टू इवन आंसर देयर। एक गल ध्यान रखो, जानकारी दे चैनल दे उत्ते ऑलरेडी बहुत सारिया वीडियोज़ ने, भविख दे विच होर भी आंदियां रहनगियां। टिल देन थैंक यू वेरी मच।